इसका मतलब है पहले योग, पहले वो क्षेम कह रहे, पहले उन्होंने योग कहा उसके बाद क्षेम कहा। क्षेम का मतलब होता है आपका वेलबींग, आपका लक्ष्मी का। पर पहले योग होना, जब तक योग नहीं होता तब तक परमात्मा से आपसे कोई मतलब नहीं। आपको पहले योग माने परमात्मा से मिलन होना, आपके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है। जब आपके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है तब आप परमात्मा के दरबार में असर लेते हैं। नहीं तो आप होते के जैसे काम करते हैं, जो कुछ भी बाहर बाहर ले जाते हैं। अंदर का आपा जब तक आप जानते नहीं, जब तक आप लोग पहचानते नहीं, तब तक आप परमात्मा के राज में आते नहीं। और इसीलिए आप उसके अधिकारी नहीं है जो परमात्मा ने कहा। बहुत से लोग परमात्मा पूछता है कि हम कितनी परमात्मा की भक्ति करें, इतने हम पूजा कर रहे हैं, इतने सत्य बल खड़े होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भूख चढ़ाते हैं, सुबह से शाम तक बैठते बैठते हैं, तो भी हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलती। वास्तविकता परमात्मा से बात करने के लिए आपका उसे संबंध होना चाहिए, कनेक्शन। जब तक आपका योग नहीं होता तब तक शेर नहीं हो। शेर का मतलब है आपकी चार तरफ रक्षा, जो लक्ष्मी तत्व हमारे अंदर है वो जागरूक हो जाता है। कृष्ण ने सिर्फ ये कहा कि मैं हाँ यहाँ मैं करूँगा, पर कैसे करूँगा तो नहीं कहा, तो मैं आपको बता वो किस तरह से होता है। जिसका अगर योग नहीं होता है तब कुंडलिनी त्रिकोणाकार इसे उठ करके ब्रह्मरंग को छेद। जब कुंडलिनी की शक्ति ब्रह्मरंग को छेदती है तब उसमें ज्योत आ जाती, क्योंकि आत्मा की ज्योत को पाई और उस ज्योत के कारण नाभि चक्र में जो लक्ष्मी तत्व है वो जागृत हो जाएगा। जैसे ही लक्ष्मी तत्व आपको जागृत हो जाएगा, चारों तरफ से आप देखिएगा आपकी खुशहाली रहेगी। कोई आदमी रहित हो जाए जिसको पैसे वाला कहते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो खुशहाल है। गरीब का पैसे वाले लोग बहुत दुखी हैं, जितना पैसा होगा उतने ही वो गरीब होते, उतने उनके घर के अंदर गंदी आती है, शराब मीना बत्ती की मक्कापन झूठापन हर तरह की उनके अंदर रहती है। हर समय डर है कि अभी गवर्नमेंट आके पकड़ती है कि खाती है कि हमारा पैसा जाता है कि ये होता है। तो जो बहुत गरीब लोग हैं वो भी कोई व्यक्ति बने, क्योंकि उनके अंदर लक्ष्मी का तत्व नहीं जागरूक होता, सिर्फ पैसा कमाने में। पैसा उनके लिए मिट्टी जैसा, उसे कोई नहीं। लक्ष्मी का तत्व समझना चाहिए। मैंने पिछले बताओ बताया था कि लक्ष्मी कैसी बनाई है। उसके हाथ में दो कमल है जो गुलाबी रंग के, और एक हाथ से वो दान करती है और एक हाथ से आश्रय। गुलाबी रंग का देवता होता है प्रेम। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं है वो लक्ष्मी पति नहीं है। उसका घर ऐसा होना चाहिए जैसे कमल का फूल होता है। कमल के फूल के अंदर भंवर जैसा स्थान होता है, क्योंकि बिल्कुल शुष्क होता है, जिससे कांटे छुटते जरा भागते हैं। उसको तक वो स्थान देता है, अपनी गाभा को उसको सुनाता है, वो खुशहाल। लक्ष्मीपति का मतलब यह है कि जिसका दिल बहुत बड़ा, जो अपने घर आए हुए व्यक्तियों को किसी को भी अत्यंत आनंद लगे, वो लक्ष्मीपति होता है। लेकिन अभी अगर आप गरीब लोग देखते हैं कि वहाँ आप खाई उनके घर आप जाइए तो उनके एकदम जाने पर जाते हैं, मैं दो पैसे खर्च करूँ। जिस आदमी